जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर व्लॉग। आज जुम्मा था, मैं घर में था तो मैंने कहा यार आज व्लॉग बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैं सुबह सुबह उठा ही था तो थोड़ा सा मेरा काम पेंडिंग था। ठीक है, वो मैं लेक्चर वगैरह लेने लग गया था तो मैंने कहा यार अब उठते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। यार मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाना भूल गया, हसन आपको सलाम कह रहा है, बताऊँ कहाँ से? यहाँ से। ये आप कहाँ बैठे हुए हो? हाँ? ऊपर बेड में ये तो तुम छत पे पहुंच गए हो, हाँ छत पर ही चल नीचे आ, नीचे आ। मैं ऊपर करने जा रहा था यार हम समझ के देख कर जाके देखते हैं भाई किधर किधर छुपा हुआ है। ओए कहाँ है? यहाँ तो तू छुप के बैठा रहेगा, कुछ भी करता रहेगा। है हाँ। फोन तो नहीं लेके बैठा हुआ? नहीं मेरे पास ही है। चल शाबाश नीचे आ जा, फोन है तो नीचे आ जा, कहीं जाना है, नीचे आ जा, कहीं जाना है। यार सीन ये था कि मैं फारिग बैठा हुआ था तो मम्मा आज कहते यार तुम्हारे ना बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, तुम ना ऑयल लगवा लो। तो मैं ऑयल लगवाने बैठ गया हूँ इधर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं ना कौन सा ऑयल लगाता हूँ। यार ये ऑयल है, ठीक है, इसमें ना 6-7 ऑयल मिक्स है, मतलब सीखा का ही है, आंवला रिट है और बादाम है, उसके बाद नारियल वगैरह। ज़्यादा मैं लगाता तो नहीं होता क्योंकि ना मुझे वैसे भी ना ऑयल से कहते हैं इरीटेशन सी है, और मैं लगा रहा हूँ वैसे बाल बहुत फ्रिजी से हो रहे थे। मैंने कहा यार आज फारिग हूँ, ऊपर से जुम्मे का दिन है, सुन्नत भी है, मैंने कहा लगवा लें, इसके बाद नहाते शहाते हैं फिर अगला सीन बताते हैं क्या सीन है। यार आप प्यारे हो गए, मैं किचन में क्या करने आ गया हूँ, किचन बोले तो हिंदी में रसोई। तो आज ना फजान की बर्थडे थी तो यार वो गया हुआ ऑफिस, उसने आना है शाम को 6 बजे। तो मैं आज बना रहा हूँ भाईजान स्पेशल बिरयानी, क्या नाम था, तय वाली बिरयानी बनाऊंगा मैं अपने हाथ से, उसकी रेसिपी पूरी शेयर करूंगा आपके साथ। बिल आदमी ने सबको काम पे लगाया है, और कौन सा काम है आपको वादे आ रही होंगी। ये देखें भाई जान जरा क्या हो रहा है सुनिए, क्या बना रहा है यार इसको हमने ना ये अदरक लहसुन कूटने पे लगा दिया। शाबाश सही सही काम कर, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। ठीक है, काम पूरा होना चाहिए। यार ये मामा ने ना शामी कबाब बनाने के लिए सामान ऊपर दिया हुआ है, खैर इसे तो मेरा कोई लिंक नहीं है, मैंने ये नहीं बनाना, मैंने बिरयानी बनानी है। तो जब मैं वो बनाना स्टार्ट करूँगा ना मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई वो मैं कैसे बनाता हूँ, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये चावल डिप हो गया मैं देखें, ठीक है चावल डिप हो गया, उसके बाद इसमें पहले चिकन बनेगा, ठीक है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यार सबसे पहले आपने ठीक है प्याज ले लेना, और इसको आपने कर देना गोल्डन ब्राउन, ठीक है ये कोरमा बनाने के लिए। इसमें आपने डालने हैं फिर मतलब 3 से 4 चम्मच ना आप इसमें डालने हैं घी के। मेरे ख्याल से 1 चम्मच रह गया बस। और अब भाई जी ये गोल्डन ब्राउन होगा ठीक है, मैं तो इसको गोल्डन ब्राउन ठीक है, उसके बाद जो इसमें डाल रहा है ना वो डाल रहा हूँ। तो जी यार प्याज इसमें ब्राउन हो गया था, उसके बाद इसमें मैंने डाला कोरमा मसाला, धनिया ठीक है, गरम मसाला वगैरह डाल दिया इसके अंदर, नमक मिर्च वगैरह डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालने लगा दही, ठीक है ये इसमें इसमें दही जाएगा 1 कोली, ये दही चला गया ठीक है। उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करूँगा, और आँच आपने इसके अंदर ना फ्लेम इसके अंदर आपने स्लो रखना उस टाइम तक ताकि ना ये दही नीचे लगने रहे, इसको ना मिक्स हो जाने देते हैं। अब क्या बना रहा है? चल कर कर जल्दी कर, हो गया यार। टमाटर पेस्ट में डाल दे, ठीक है बस ये 5 मिनट बाद ही ऑलमोस्ट ना रेडी हो गया। ठीक है टमाटर पहले मैं डालना भूल गया था, इसके बाद में डाले हैं वरना टमाटर ना स्टार्ट में डाल देते होते हैं। अब ये बन जाए तो मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, फिर वो चावल बॉयल कर लेता हूँ। ये यहाँ यहाँ मैं चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, और बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसके अंदर से ना इलायची की, और ज़ीरा भी डाला है मेरे ख्याल से, बाकी अब आपको लेयर लगा के दिखाऊंगा। तो जी आज चेक करें इसका फाइनल लुक निकला है, ठीक है बड़े मज़े के लग रहे हैं। मैं जुम्मे का टाइम है, मैंने जुम्मे के से आके खाने थे, पर यार मुझसे ना राग कोई नहीं जा रहा, इसलिए मैं थोड़े से भी खा के जाऊँगा। जी भाई जान जुम्मे के लिए जैसा आप देखें शलवार भी पहन लिया, शेडी शेडी हम हो गए ठीक है। तो
माशाल्लाह वाज बस सुभान अल्लाह। हम अब तैयार हो रहे हैं, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी से बस लेट हो रहे हैं काफी। हसन जल्दी तैयार हो यार, मैं आ रहा हूँ फिर, तो वापस आके आपसे मिलते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है बिरयानी। ये अपने डके इसका नीचे है, दाना डाल दे, कोई भूखा रखा है यार, तेरे सामने खत्म हो गया, दोबारा लेके आऊंगा, सारा खुद खा जाता है, मैंने इसका क्या खाना है यार। इसके लिए भी ना कुछ लाग डालते हैं डाइट वगैरह, ठीक है। सुबह की इन्होंने खाई हुई पोटे फुल है भाई जान, खुशखबरी भी सुना दो, 2 साल हो गए आपके वैसे रखे, मैंने छुरी फेर देनी है। यार ये चावल मैं खाने दोबारा ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी हुई थी, ठीक है, मैं अपना ऑप्टिमम डाइट में डालूँ, दही के बगैर मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है, ये थोड़ा दही डालते हैं साथ, हरी मिर्च पकड़ते हैं, ठीक है, और मज़ेदार यार, जिस तरह मुझे चाहिए थे वैसे ही, यहाँ पर हरी मिर्च खा लिया, मैं पानी पी लूँ जी। तो जुम्मा भर के यार खाना वगैरह खा के मैं फ्री हो गया था, तो उसके बाद मैं अपने दादा से मिलने आया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैंने वीडियो बनानी थी, फिर मुझे एकदम ना मेरे माइंड में बात क्लिक की, तो मैंने कहा यार आपको भी बताता जाऊँ। यहाँ पर आने का सिर्फ ना मकसद ये होता है कि आपको भी मतलब जो आपका एंड है आपको याद है, जिस तरह मैं आपको अपने एग्जांपल दूंगी, पूरा दिन भजन, सुबह टाइम जाओ शाम टाइम वापस आओ, मतलब आपको पता चला था जुम्मा मेरा घर से मतलब 2 महीने हो गया बाहर ही होता है, तो यहाँ पे आने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पे आने का मकसद ही भजन सिर्फ ये है कि आपको याद रहे कि भाईजान किसी दिन आपने मरना भी है, ऐसे आपको एक तो आपका नफ्स अंदर वाला मरता है, ठीक है, उसके बाद आपका मतलब गुरूर कह रहे तकब्बुर कह रहे ख़त्म होता है, आपको पता होता है कि भाई दुनिया सब कुछ नहीं है, एंड आपका इसलिए ही है। तो खैर बातें काफ़ी सीरियस हो गई हैं, मैं दादा से मिलने आया था, वैसे भी आज उनकी याद आ रही थी, तो यहाँ दुआ वगैरह करेंगे उसके बाद घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यार हम यहाँ पे केक वगैरह उसका लेने आए थे खान में, ठीक है, तो पैक शर्ट करा लिया, बाकी सिंगारा भी और चीज़ भी लेनी है, फिर चलते हैं वापस। यार मैं केक ले आया था सन के साथ, ठीक है, तो केक वगैरह काटने लगे हैं, ये हसन बैठा हुआ है, केक इसने काट लिया पहले, हसन मुझे तो खिला यार, यार रोटी शोटी भी खा ली, केक वगैरह भी काट लिया, ठीक है, और बस ये सब यार चढ़ा दियो, चल सो जाने चाहिए, सो नीचे हो गए, ठीक है। तो आज के दिन की रूटीन यही थी, ठीक है, उसके बाद यार काफी काम करने वाला पड़ा है, क्योंकि छुट्टी थी पर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ था, तो वो सारा काम करने हमने इनकम्प्लीट, ठीक है। उसके बाद सुबह का मेरा प्लान बन रहा है कि मैं सुबह शायद जा सकता हूँ, यार मुझे एक ना चाहिए मुर्गा दोस्त के लिए, वो लेने मैं जाना मंडी में आ रही पाकिस्तान वाली, तो जी क्या सीन है यार। तो आज शाम को ये अहमद भाई ने मुझे बुलाया था, काम था, मैं थोड़ा चाय शाय पिया, ठीक है, उसके बाद खाना वगैरह खाया, अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो यार? अब आपको कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जा रहे हो इधर इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज जी। चलो यार अब आपको इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज जाके मिलते हैं, और वैसे भी वो सीन ये है कि यार मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, वैसे तो गए नहीं है पर आज चले जाते हैं। यार जी यार सीन ये है कि शाम टाइम ना मैं फ्री हो गया था, तो मुझे अहमद की कॉल आती है कि यार मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, मैंने कहाँ जॉगिंग करने जा रहे हो? तो यार जॉगिंग करने आता है यहाँ पे इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज। अहमद कहाँ यार जॉगिंग करने आते हो? इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज, जगह कौन सी है? ये ओवर ग्राउंड है। सही है, तो यार वैसे भी मेरा ये ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, मैंने कहा यार एडमिशन तो वाको ही नहीं, तो अहमद भाई की वजह से हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, तो जॉगिंग का तो कोई सीन नहीं है, कॉफ़ी वगैरह हम यहाँ पे पियेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्रिकेट का सीन चल रहा है। असल में मसला ये है यार, मेरे कोई दोस्त खेल रहे हैं तो उनको ना एक बैट्समैन की ज़रूरत थी अच्छे, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आपने लाजमी आना, उसके बगैर हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत लंबी छोड़ दी मैंने, बहुत ज़्यादा छोड़ है यार।